नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल एवं सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कंपनियाँ इस सॉल्ट को, कुछ सॉल्ट्स को क्रीम फॉर्म में बनाती है, कुछ को जेल फॉर्म में बनाती है, ऑइंटमेंट्स फॉर्म में बनाती है, तो कंपनियाँ क्यों इन फॉर्म में बनाती है जो कि ना तो लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड होता है। तो इन महत्वपूर्ण डिफरेंस के बारे में हम आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफ़ी घातक होती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रीम्स के बारे में। अगर हम क्रीम्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो कंपनियां बनाती है उसमें मोर देन 20%, मतलब 20% से ऊपर आपका वाटर होता है, और 50% से कम, मतलब लेस देन 50% आपको हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन के ऊपर। इसमें आपको कुछ स्किन लाइट क्रीम हो गई, उसके अलावा जलने पे, कटने पे, फंगल इन्फेक्शन पे इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह पतला होने की वजह से जल्दी एब्जॉर्ब तो होता है बट लंबे समय तक आपको असर नहीं दिखाता है। इसमें आपको कुछ क्रीम्स हो गए, जैसे स्किन लाइट क्रीम्स हो गए, वेटनोवेट एन हो गए, तो ये सब आपका जो होता है क्रीम फॉर्मेट में आता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जल्दी एब्जॉर्ब करने के लिए, साथ ही साथ चिपचिपाहट नहीं होता है। अगर हम बात करें दोस्तों ऑइंटमेंट्स के बारे में, तो जो कंपनियां ऑइंटमेंट्स फॉर्म में किसी भी मेडिसिन को तैयार करती है, तो उसमें लेस देन 20% आपका पानी होता है और मोर देन 50% हाइड्रोकार्बन होता है, जिस वजह से जो होता है यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है एवं जो इसका वाइली फेज होता है वह काफ़ी अधिक होता है। जब हम इसे अपने स्किन पे लगाते हैं तो हमें रब करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, या धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है एवं लंबे समय तक अपना असर दिखाता है। जैसे जो कंपनियां ऑइंटमेंट फॉर्म में बनाती है, जिसमें दर्द के जो ऑइंटमेंट्स आ गए, आपको शून्य सूजन के जो आ गए, तो ये सब जो होता है अपना धीरे धीरे तो असर दिखाती है, लेकिन लंबे समय तक अपना असर दिखाती रहती है। इसीलिए जो कंपनियाँ होती है वो ऑइंटमेंट फॉर्म में तैयार करती है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों जेल फॉर्म के बारे में। जो जेल फॉर्म होते हैं दोस्तों, इसमें मोर देन आपका 20% पानी होता है, और जो हाइड्रोकार्बन होता है वह भी आपको 50% से ऊपर होता है। इसको कंपनियां जानबूझ करके गाढ़ा बनाती है एवं जो होता है यह काफ़ी स्मूथ होता है। आपका जो जेल फॉर्म में आती है वो काफ़ी स्मूथ होता है और यह जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जिसमें आपको जैसे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको जो माउथ में छाले हो जाते हैं उसके लिए जो जेल आते हैं, या फिर वेजाइनल जेल होते हैं जो इंटरनली प्रयोग में आपको लाया जाता है, उसके लिए जो कंपनियाँ होती है आपको जेल फॉर्मेट में तैयार करती है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं दोस्तों लोशन के बारे में। जो कंपनियां लोशन फॉर्म में किसी भी मेडिसिन को तैयार करती है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। उसमें जो मूल इंग्रेडिएंट होता है वह कम होता है, बट वह आपको पूरे बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए उसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स की मात्रा होती है वह काफ़ी अधिक मिलाया जाता है। जैसे आपको जो सनलाइट जो क्रीम आती है, जो स्किन से प्रोटेक्शन के लिए आपको बनाया जाता है, वह सब लोशन फॉर्म में बनाया जाता है, या फिर कई बार जो फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी कई बार लोशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें ज़्यादा एरिया कवर किया जा सके बॉडी का, इसलिए कंपनियां लोशन फॉर्मेट में तैयार करती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि क्रीम क्या है, लोशन क्या है, ऑइंटमेंट क्या है एवं जेल क्या है, और कंपनियाँ क्यों इन फॉर्मेट्स में किसी भी मेडिसिन को बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त किशन और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।